السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी मदाद के बारे में। लेसन नंबर 22 है आज का। मदाद हमने पहले भी पढ़ी थी मद, अगर याद हो। हरूफ मदा हमने पढ़े थे, अलिफ मदा, याए मदा, वाओ मदा, ठीक है। वहीं से ये हम बड़ी मदाद जो है वो पढ़ेंगे, बहुत इजी रह जाएगा। बेसिकली मद के जो मायने हैं वो क्या है, लंबा करना, खींचना। मद की जमा क्या है, मदाद। अब मैंने भी बात की आपसे अलिफ मद्दा की, याए मद्दा की और वाव मद्दा की। आप देखें वहीं से ये टॉपिक बन रहा है। क्या यहाँ पे अलिफ मद्दा का रूल अप्लाई हो रहा है? ऐसा ही है, अलिफ खाली और उससे पहले ज़बर। लेकिन अब थोड़ी सी चेंजिंग ये आई है। वो यहाँ वहाँ पे बात थी कि अगर अलिफ खाली और उससे पहले ज़बर आ जाए तो हम उसको 2 सेकेंड के लिए लंबा करेंगे। अब यहाँ पर रूल ये है कि अगर हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में आ जाए, साथ जुड़ा हुआ, ठीक है, तो अब 2 सेकंड की बजाय, अब जो इसकी हरकत है आई थिंक वो 4 से 5 सेकंड तक चली जाएगी। और अगर अलिफात में बात करें तो 3 से 4 अलिफ के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमज़ा आया है उसी कलमे में। इसको कहते हैं मद्दे मुत्तसिल, मद्दुलवाजिब भी इसको कहते हैं। अगर इसका नाम आपने याद करना है तो इसको मद्दे मुत्तसिल कहते हैं। तो अब हमने इस हरूफ मद्दा को कितना लंबा करना है, 4 से 5 सेकंड, 3 से 4 अलिफ, जो भी। फॉर एग्जांपल आपने इसको 4 काउंट्स लंबा करना है। कैसे? जा आ, इस तरीके से। यहाँ पर याए मद्दा के बाद हमज़ा है, वाव मद्दा के बाद हमज़ा है उसी कलमे में। एक तो ये बात हो गई। इसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारे पास, वो देखें सेम वही बात है, हरूफ मद्दा आ रहे हैं लेकिन हमज़ा दूसरे कलमे में है। असाबा, हमज़ा दूसरे कलमे में। अतजालू, हमज़ा दूसरे कलमे में। बनी, या मद्दा के बाद अलिफ आ रहा है दूसरे कलमे में। तो अगर हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आए तब भी इसको 3 से 4 अलिफ लंबा करेंगे, लेकिन इस मद का नाम है मद जायज़ या मद मुनफसिल। सिर्फ मद का नेम चेंज होगा, उसकी जो लंबा करने की हमारे पास ड्यूरेशन है वो सेम ही रहेगी। तो क्या चीज़ है, हरूफ मद्दा के बाद अगर हमज़ा उसी कलमे में आ जाए तो उसको कहते हैं मद्दे मुत्तसिल। हरूफ मद्दा के बाद अगर हमज़ा दूसरे कलमे में आ जाए तो उसको कहते हैं मद्दे मुनफसिल, और इसको 4 से 5 सेकंड हम लंबा करेंगे। इसके बाद जो तीसरा कायदा है हमारे पास वो ये है कि अगर हरूफ मद्दा के बाद अलिफ मद्दा हो गया, याए मद्दा हो गया, वाव मद्दा हो गया, कोई भी हरूफ मद्दा के बाद अगर तशदीद आ जाए तो अब उसको 3 से 4 से 5 सेकंड नहीं बल्कि उसको 6 काउंट तक, 6 अलिफ तक लंबा करेंगे उसकी साउंड को, हरूफ मद्दा की साउंड को, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी मद होती है जिसको मद लाजिम, क्योंकि ये कलमा कुरानी में हो रहा है तो इसको मद लाजिम कलमी मुसकल कहते हैं, ठीक है जी। तो अब हम इसकी प्रैक्टिस देख लेते हैं। कंसेप्ट हमने समझ लिया है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء جيء سوء أولياء قروء خطيئةً أولئك يشاء ما أصاب قالوا أتجعل بني آدم قالوا آمنا ما أمر
इला अजलिन बिही ईमानुकुम कलिमतुहु अल्काहा। नेक्स्ट सबसे लंबी मद 6 सेकंड तक जाएगी। दाबतन, तशदीद आ रही है तो यहाँ पे एक नबर का फायदा होगा, यानी कि आवाज थोड़ी सी उभरेगी। दोलन जानून, एक और गुना हुआ यहाँ पे, वो नून मुशद्दद का गुना हुआ है। मुदोरिन वस्साफाती तहादुना। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया कायदा। किस चीज के हमने 3 कायदे पढ़े हैं? मदाद जो बड़ी मद है, 3 से 4 अलिफ वाली भी पढ़ी है, और 5 से 6 अलिफ वाली भी हमने मद जो है वो कवर अप कर ली है। मदाद के टॉपिक के साथ आज हम एक लास्ट टॉपिक जो है वो भी देखेंगे, कुरानी रुमूज़ औकाफ। अक्सर इसमें हमें कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन इसको देख लेते हैं। कुरानी कायदे के ना बिल्कुल लास्ट पे ही आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। तो तिलावत के दौरान दर्ज ज़ैल रुमूज़ औकाफ को मलहूज़ रखना चाहिए। सबसे पहले आपको पता है कि ये जो सर्कल है जहाँ पे बात पूरी हो जाती है, वहाँ पर एक छोटा सा दायरा लिखा होता है। ये हकीकत में आयतुन की गोलता है, जिसने गोल दायरे की शक्ल इख्तियार कर लिया है, ये वक्फ की अलामत है, इस पर ठहरना चाहिए। ये कौन सी बात हो रही है? एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, ये जो गोल सर्कल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे चूंकि बात मुकम्मल हो रही है तो यहाँ पे हमने ठहरना है, वक्फ करना है। लेकिन बाज़ दफ़ा हमने वसल करते हुए भी देखा है दो दो आयतों को, तो वो क्यों होता है वो भी हम आज के टॉपिक में देखते हैं। इसके बाद छोटी सी मीम आपको नजर आती होगी इन गोल दायरों के ऊपर, ये वक्फे लाजिम की अलामत है, इस पर ज़रूर ठहरना चाहिए। अगर ना ठहरा जाए तो अक्सर जगह मायनी और मफहूम के गलत होने का इम्कान है, यानी कि यहाँ पे वक्फ जो है वो लाजमी करना है, दोनों आयतों का वसल नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर ये देख लें, ये मीम छोटी सी है, फीहा आइनुन जारिया, दो तनवीन का जो वक्फ है वो तो हमने सीख लिया, तो मीम आ रहा है, हम इसको दो आयतों को अब ज्वाइन नहीं कर सकते। फीहा आयुन जारियतुन फीहा सुरुम मरफुआतुन, ठीक है, इस तरीके से ज्वाइनिंग नहीं हो सकती, बल्कि यहाँ पे हमने वक्फ लाजमी करना है ताय मरबूता का और साथ में तनवीन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आगे मीम आ रही, छोटी मीम, जिस पे वक्फ करना जो है वो ज़रूरी है। नेक्स्ट है जी, हमारे पास छोटी सी तो आती है इसी दायरे के ऊपर, ये वक्फे मुतलिक की अलामत है, इस पर भी ठहरना चाहिए। जीम, ये वक्फे जायज़ की अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर है और ना ठहरना भी जायज़ है। अले, ये अलवक्फुल औला का अख्तसार है, इस पर भी ज़रूर ठहरना चाहिए। कफ, इसके मानी है ठहर जाओ, इस पर भी ठहरना चाहिए। तो अभी तक ये जीम ऐसी है, ठहरा ठहरें ना ठहरें तो दोनों में दोनों कर सकते हैं, लेकिन मीम तौ कले कफ 4 ऐसे हमने पढ़ लिए हैं जहाँ पे ठहरा जाएगा, वसल नहीं किया जाएगा। ये छोटी तौ देख लें, मीम देख लें, और यहाँ पर भी तौ आ रही है, वक्फा, कफ भी हमें यहीं पे मिल गया, ये आई थिंक सुरगाशिया है, तो यहाँ पर ठहरा जाएगा। अब इसके बाद बाकी लामात देख लेते हैं। दर्ज़ ज़ैल रुमूज़ो काफ पे नहीं ठहरना चाहिए, जैसे ला, इसके मायने नहीं है, ये अलामत अगर आयत के अंदर है तो हरगिज़ नहीं ठहरना चाहिए। अगर ये आयत दायरे के ऊपर है, दोनों तरह ठहरना या ना ठहरना जो है वो जायज़ है। ये कौन सा ला है? ये जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये छोटा सा ला, यहाँ पर भी आप देखें, लिसाइहा रादियतुन फी जन्नतिन आलियतिन ला तस्माउ फीहा लागिया। यहाँ पर मैंने लागिया क्यों किया है? क्योंकि आगे तो आ रही है, यहाँ पे मुझे वक्फ करना है, यहाँ पे वसल क्या नहीं आता। वसल हम कहाँ पर कर सकते हैं? ला के ऊपर और जीम के ऊपर, अभी तक हमने पढ़ा है। नेक्स्ट है जी जा, ये वक्फे मजूस की लामत है, यहाँ ना ठहरना बेहतर है, ठीक है, यहाँ पर ठहरा नहीं जाएगा बल्कि वसल किया जाएगा।
सौद ये वक्फ़े मुरख़स की अलामत है, यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए। अगर बवक्त ज़रूरत ठहरा जाए तो रुख़सत है। ये भी याद रहे कि सौद पर मिलाकर पढ़ना ज़ा की नस्बत ज़्यादा तरजीह है, ठीक है। यहाँ पर भी वसल कर सकते हैं, सले अल वसले औला जो है इसका इख्तसार है, यहाँ पर भी मिलाकर पढ़ना बेहतर है। कौफ यहाँ ठहरना नहीं चाहिए, यहाँ पर भी आपको मिलाना है। सल यहाँ पर भी सेम चीज़ आ रही है हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे है जी वक्फ़ नबी, साइडों पे आपको लिखा हुआ ये मिलेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर नबी सल्लम ने वक्फ़ किया, यहाँ पर ठहरना मुस्तहिब है। मुस्तहिब का मतलब पसंदीदा। वक्फ़ मंजिल, इसको वक्फ़ जिब्राइल भी कहते हैं, यहाँ पर भी वक्फ़ करना मुस्तहिब है। वक्फ़ गुफरान, गुफरान का मायने है बहुत ज़्यादा बख्शिश तलब करने वाला, बहुत ज़्यादा बख्शिश तलब करना। यहाँ पर पढ़ने और सुनने वाले को बख्शिश मांगनी चाहिए, यहाँ वसल करने की बजाय वक्फ़ करना बेहतर है। तो ये तीन तरह के वक्फ़ हैं जो आपको साइडों पे कुरान की साइड्स पे लिखे हुए नज़र आते हैं, तो इनका जो मतलब है वो यहाँ से समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद सीन या सकते की बात है, ये सकते की अलामत है। यहाँ आवाज़ तोड़कर किसी कदर ठहरना चाहिए मगर सांस ना टूटने पाए। ये सकता आई थिंक हमें इसकी एग्जाम्पल जो है वो सूरह मुत्तफ़िफ़ीन में बहुत अच्छी मिल जाएगी। सूरह मुत्तफ़िफ़ीन देखते हैं, हाँ जी, सूरह मुत्तफ़िफ़ीन की आयत नंबर अगर हम देखें 14, यहाँ पे सकता लिखा हुआ है। बात ये कह रहे हैं आवाज़ रोकी जाएगी, सांस नहीं तोड़ना। कैसे? कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यकसिबून, कल्ला बल रान, मैंने यहाँ पे आवाज़ रोकी है, सांस नहीं टूटा, तो सकते का ये मतलब है, ठीक है। तो इसके बाद है जी हमारे पास सकते के बाद वक्फ़ा, ये लंबे सकते की अलामत है। यहाँ सकते की नस्बत ज़्यादा ठहरना चाहिए लेकिन सांस ना टूटने पाए। वही जो एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दी, कल्ला बल रौन, ठीक है। तो जहाँ पे वक्फ़ा लिखा होगा तो वहाँ ज़्यादा देर ठहरा जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद ये हमें तीन डॉट्स के दो पेयर नज़र आ रहे हैं, ये करीब करीब दो जगह तीन नुक्ते होते हैं जिसे मुआनिका की अलामत कहते हैं। कुरान के हाशिए पर लिखा लफ्ज़ मा इसी का इख्तसार है, इन दोनों मुकामात में से किसी एक पर ठहरना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं ये, कहाँ पे हो सकते हैं ये डॉट्स? सूरह बकरा की आयत नंबर 2 में ही हमें ये मिल जाते हैं। ये देखिए, इसको मैंने ज़रा जूम करके आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें, आपको ये 3 डॉट्स ये हैं, 3 डॉट्स ये हैं, और यहाँ पे लिखा भी हुआ मुआनका, ठीक है। तो कह रहे हैं कि दोनों जगहों में से एक जगह पर रुकना ज़रूरी है। जैसे ज़ालिकल किताब ला रईब, सॉरी, ज़ालिकल किताब ला रईब, यहाँ पर रुक लें। ज़ालिकल किताब ला रईब फ़ीह, या यहाँ पर रुक लें। लेकिन ये ना करें कि ज़ालिकल किताब ला रईब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन, इस पूरी आयत को एक सांस में नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि इन दोनों नुक्तों की जगहों में एक जगह पर वक्फ करना जो है वो ज़रूरी कहा गया है। इसके बाद काफ, ये कज़ालिका का मुखफ़फ़ है, इसका मतलब है कि वक्फ़ की जो अलामत पहले गुजरी है इसका भी वही हुक्म है। नेक्स्ट है जी हमारे पास रुब, नसफ, सलासा, सजदा, ये आप लोगों को पता है। पारे के चौथाई हिस्से को रुब कहते हैं, आधे को नसफ कहते हैं, तीन चौथाई को सलासा कहते हैं। सजदा कुरान मजीद में बाज़ मुकामात पे 15 या 14-15 मुकामात पे सजदे का मस्नून जो है वो जिक्र आता है। इसके बाद आइन, रुकू की अलामत होती है, ठीक है। मंजिल जो है 7 मंजिलों में कुरान पाक को डिवाइड किया गया है, हाफिजात के लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहती है कि सरफ सालहीन जो है वो 7 दिनों में कुरान मजीद को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो उसको 7 दिनों में मंजिल को, अगर 7 दिनों में कुरान को डिवाइड किया गया है तो उसको मंजिल कहते हैं। वो 7 मंजिलें हैं टोटल, कुरान पाक को 7 मंजिलों में डिवाइड किया गया है। तो ये है जी हमारे पास मंजिल, सॉरी, ये है जी हमारे पास कुरान रमूज व औकाफ। होप्स हो कि इसका जो कॉन्सेप्ट है जितना भी समझ आ गया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, अब हम चलते हैं कुरान के लेसन की तरफ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आइए आज की क्लास में हम सूरतुन नबा की तिलावत सीखते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا